अब इस पस मंजर में सोचिए हम कहां खड़े हैं, हम किस शय की गवाही दुनिया के सामने दे रहे हैं। हमारे तो इंफिरादी मामलात भी बहुत पस्त हैं, हमारे तो मामलात आपस के गलत हैं, हम तो झूठ और धोखा और फरेब और मिलावट और खयानत और गबन, इसमें तो हम बहुत हाई मार्क्स जो है सिक्योर कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि इनसे ज्यादा जलील कौम कोई नहीं। ये गवाही हम दे रहे हैं, ये मोहम्मद के मानने वाले ये हैं, ये है उम्मती मोहम्मद के, जो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मामलात मैनेज नहीं कर सकते, बिकारी ये। और कहां है वो दीन, कोई एक ही दुनिया में दिखा सकते हो कि ये है दीन? आओ, सी विद योर ओन आइज, दिस इज दीन उल हक। ये जो मैंने आपसे कहा था ना, ये बड़ी नाजुक जिम्मेदारी, बड़ी नाजुक, उसका एक अंदाजा आपको हो जाएगा खुतबा हज्जत अल विदा से। हुजूर ने जो खुतबा दिया, और वो अजीम तरीन खुतबा है तारीख इंसानी का, आखिर में मोटी मोटी बातों को फिर दोहराया, देखो औरतों का ख्याल करो, औरतों के हकूक अदा करो, देखो गुलामों के साथ नेक सलूक कर लो, जो भी थी। फिर आपने एक सवाल किया, अलाहल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं? 125,000 का मजमा था, आज से 1400 बरस कबल 125,000 का मजमा बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जबकि अभी इस्लाम सिर्फ जजीरा नुमाए अरब तक महदूद था। आज भी पहले कभी हो जाते थे 28-30 लाख, भी अनमैनेजेबल हो रहा था मामला, अब सऊदी अरब की हुकूमत ने को मैनेज किया, पाबंदियां लगाई तो 20 लाख, यही है ना 125,000 का बंदा। और उसका नक्शा मैं दिखा दूं, एक एक हर्फ आप 3-3 मरतबा कह रहे थे, दाहिनी तरफ रुक करके कहा, वो सुना, फिर मुकब्बिर खड़े हुए हैं, उसने सुना और आगे पहुंचाया, उसने सुनाया आगे पहुंचाया, लाउड स्पीकर तो था नहीं, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो नहीं था। फिर आपने सामने रुक करके वही बात फरमाई, फिर यहां सामने खड़े हुए लोगों ने पहुंचाया, फिर बाईं तरफ रुख किया, इसीलिए हर जुमले को, हर बात को आपने 3-3 दफा कहा, अला हल बल्लग, तो मैंने पहुंचा दिया या नहीं। और आम आदत सहाबा की यह थी कि अव्वल तो हुजूर के सवाल पर खामोश रहते थे कि वल्लाहु व रसूलहु आलम, या अगर जवाब देते थे तो फरते अदब से बहुत मुख्तसर जवाब। वो चुलबुले किस्म के शागिर्द जो होते हैं, जो उस्तादों को भी पढ़ाना चाहते हैं, सहाबा किराम उस तरह के नहीं थे, अपनी लियाकत और जहानत का रोब जो है अपने उस्तादों पर गाठ दें। वहां तो यह था कि एक बात जवाब, यहां 4 जवाब दिए हैं सहाबा ने, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत उम्मता व कशफत गुम्मा। 3 मरतबा हुजूर ने कहा अला हल बल्लग, तो और 3 मरतबा जवाब आया, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत उम्मता व कशफत गुम्मा। ए नबी, हम गवाह हैं आपने हक रिसालत अदा कर दिया, आपने हक अमानत अदा कर दिया, ये कुरान तो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किया था ना, आपके पास तो अमानत थी, आपने उम्मत की खैरखाही का हक अदा कर दिया, आपने हर किस्म की गुमराहियों के, अंधियारियों के, अंधेरों के पर्दे चाक कर दिए। 3 दफा जवाब लेकर अंगुश्ते शहादत से इशारा किया आसमान की तरफ, फिर लोगों की तरफ, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह है, ये मान रहे हैं कि मैंने पहचान पहुंचा दिया। दे कांट सू मी इन योर कोर्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ये मेरे खिलाफ इस्तगासा नहीं ला सकते कि मैंने पहुंचाने में कमी की है।
ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। इट वॉज द साई ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं, 23 बरस की मेहनत है शाक्का। कौन कौन से मराहिल आए हैं, यौम ताइफ भी आया है, 3 साल की शेब बनी हाशिम की कैद भी है, मारका उहद भी है, अहजाब भी है, 70 मुबल्लिगीन ज़िबह किए गए हैं, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं झेला। लेकिन फिर बात क्या हुई, अब आपने आखिरी बात, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह, और उसके बाद फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, अब जो यहां मौजूद है उनके जिम्मे है कि पहुंचाएं उनको जो यहां नहीं है, मैं फारिग, मेरे कंधे से बोझ उतर गया, अब तुम्हारे कंधों पर आया। अब इस गाइब में वो भी तमाम लोग शामिल थे जो उस वक्त दुनिया में थे और वहां नहीं थे। शाहिद और गाइब का लफ्ज आ गया जहां से मैंने बात शुरू की थी, शाहिद और गाइब, शाहिद मौजूद, फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, और गाइब में वो भी है जो कयामत तक आएंगे। ये है इस उम्मत का फर्ज मनसबी, और अगर आप समझें ये है इस उम्मत का फरीजा रिसालत। الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان